Hey guys, स्वागत है आपका हमारी और एक न्यू वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो में हम रोस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो रोस्ट यानी कि एक ट्रोल होगा, बस इंटरटेनमेंट के लिए ही ये वीडियो रोस्ट कर रहे हैं बस, और कुछ ना ही मेरे अंदर पर्सनली कुछ कॉन्ट्रोवर्सी और ना ही मैं कुछ जलता हूँ ना कुछ भी नहीं, बस इंटरटेनमेंट के लिए रोस्ट कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, आपका एक लाइक से मैं मोटिवेट होता हूँ यार। हम छोटे यूट्यूबर्स यार भाई, बस तुम्हारे एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते हैं यार। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वो भी कर दो यार, क्योंकि तुम्हारे एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मैं मोटिवेट होता हूँ यार। तो सपोर्ट कर दो यार, छोटे यूट्यूबर्स हैं हम यार। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो की, लेट्स बिगिन। बहुत तेज हो रहे हो हैं, बहुत तेज हो रहे हैं। मुझे ट्रक दो। Hey guys, तो आज मेरे पास बहुत सारी न्यूज़ है जो आपको देने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली न्यूज़ की ओर। तो गाइस पहली न्यूज ये है कि जान बहन ने बुलाया अज्जू बहन को चक्कर लाइव स्ट्रीम पर। तो अज्जू बहन ने ये सुनकर तो अपने चार बहनों के ले जाकर हमला कर दिया है जान बहन के ऊपर। तो ये एक छोटा सा वीडियो खुद देखिए। तो गाइस आपको क्या लगता है इस लड़ाई में कौन सही है, अज्जू बहन सही है या ज्ञान बहन सही है? तो जरूर आप कमेंट में हक्के जाना जरूर। तो चलते हैं अगली न्यूज के ऊपर। तो गाइस हमारी दूसरी न्यूज ये है कि अभी हाल ही में टूबी गवार ने कोलैब कराया है अभिवे बंटा के साथ, और ये कोलैब बिल्कुल ही एक तरफा कोलैब था। इस कोलैब के बारे में अभिवे बंटा को कुछ पता ही नहीं था, बिल्कुल एक तरीके से एक तरफा कोलैब था। तो उसका था छोटा सा क्लिप देखिए। अरे सॉरी भाई लोग यार, गलत सॉन्ग लगाया यार, सॉरी। बंटाए अब बड़े हुए दिमाग से और लड़े बंटाए, जिंदगी से और खुद के दम पे आज खड़े बंटाए, बारहवीं तक शिक्षा लिया अच्छे से पढ़े बंटाए, अंग्रेजी भी अपने हिसाब से ही चले बंटाए। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। तो यार गाइस तो ये था एक तरफा कोलैब टूबी गवार का। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन पर कि आपको ये कोलैब एक तरफा कैसा दिखा। तो इस कोलैब के बारे में अभिवे बंटा को बिल्कुल ही कानो खान खबर नहीं, कौन कोलैब करा कौन नहीं, कौन सा गवार कोलैब करा बिल्कुल ही पता नहीं था। तो यार भाई तो कोई ना, तो भी आप भी हक्के जाना कमेंट सेक्शन पर कि भाई आपको कैसा लगा ये कोलैब। तो चलते हैं हम अगली न्यूज़ की ओर। तो गाइस तुम्हें क्या लगता है ये जो जितने भी सारे न्यूज़ चैनल हैं उनको वीडियो बनाने के लिए कितना समय लगता है? 10 घंटे? ना। 5 घंटे? ना, बिल्कुल 1-2 घंटे में वो वीडियो बनाते हैं, और उनको कंटेंट ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं, उनको बैठे बैठे ये कंटेंट आता है, यानी कि वीडियोज आते हैं। जिस किसी भी न्यूज़ चैनल के लिए होगा ना न्यूज़ कवर करने का, तो उनको वीडियो आती है बैठे बैठे जगह, ज्ञान गेमिंग की और टोटल गेमिंग की हो, तो हर वीडियो में वो टोटल गेमिंग का जिक्र करता है, तो क्योंकि व्यूज के लिए। तो उनको देखिए ना ही उन खुद ढूंढता नहीं है न्यूज़, एक जना क्या क्या करेगा, तो उसको कोई और लाता है, यानी कि उसकी जो भी सब्सक्राइबर्स है जो उसने रिसेप्शन में दिया है, जो एक वेबसाइट पे न्यूज़ कवरिंग का जो भी न्यूज़ है तो वहाँ पर मुझे शेयर करो, तो सभी लोग वहाँ पर शेयर करते हैं, जो क्योंकि उसको कंटेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं, कंटेंट का उसको टेंशन ही नहीं रहता है, खाली बस एक 5 मिनट की न्यूज़ कवर कर लो और आ जाएंगे 1 मिलियन। यार मुझे बताने का यही था कि यार भाई सालों का कंटेंट उनका चैनल ग्रो रहा है, और भाई हमारा कंटेंट ढूंढने के लिए भाई साहब पूरा एक एक हफ्ता जाता है और कंटेंट नहीं मिलता है। यार तो इसलिए हमने रोस्टिंग का शुरू किया, क्या करें भाई, सभी कंटेंट चोरी कर ले रहे हैं बड़े यूट्यूबर्स, तो इसलिए यार भाई मैंने रोस्टिंग का शुरू किया हूँ। तो ये भी रोस्टिंग बस फन के लिए मैं करता हूँ, ना ही मेरी कॉन्ट्रोवर्सी है किसी के साथ, मैं अब तक रोस्ट एक्सपोज कराऊँ ट्रोल कराऊँ तो बस फन के लिए करता हूँ और कुछ नहीं। तो इससे मुझे कुछ गलत साबित करना नहीं था। तो देखिए भी सभी अच्छी है, तो जो भी सभी यूट्यूबर अच्छे ही है, डेमोन आर भी सही न्यूज़ कवर करता है, और एक जो 9 लाख सब्सक्राइबर वाला है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो यूट्यूबर यार बेकार है, उसको अनसब्सक्राइब कर दो यार। ये जो डेमोन आर में ये अच्छा यूट्यूबर है, बस मैं फ़न के लिए ट्रोल किया था, और कुछ मेरी पर्सनल दुश्मनी नहीं और ना ही कुछ गलत है, गलत किया है।
तो वही यही कहना था कि सही बंदे को फॉलो करो, करना है तो सही बंदे को सब्सक्राइब करो, गलत बंदों को सब्सक्राइब मत करो। तो अगर मेरा भी चैनल अच्छा दिखा, वीडियो अच्छा दिखा तो सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो यार, बस फन के लिए था, ना ही कोई पर्सनल कॉन्ट्रोवर्सी। तो सही यूट्यूबर्स कभी भी मैं बस बताऊंगा तो सही यूट्यूबर्स बताऊंगा, गलत यूट्यूबर नहीं बताऊंगा। डेमोन आर्मी सही यूट्यूबर है, फॉलो कर दो। और वो जो 9 लाख सब्सक्राइबर वाला है वो बेकार यूट्यूबर है बिल्कुल, वो लेट वीडियोस डालता है। कभी भी आप देखना, पहला डेमोन आर्मी की वीडियो आती है फिर उसके बाद उसकी आती, कहीं ना कहीं वो चोरी करता है डेमोन आर्मी का ही, मैं यही कहूँगा। और कुछ नहीं, वीडियो अच्छा दिखा तो लाइक करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दो। और क्या भाई, चलते हैं भाई, ये गेम प्ले ओपी जैक का गेम प्ले मेरा नहीं है, फिर कमेंट में बोलेंगे गेम कॉपी किया है, मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं था, गेम प्ले कोई नहीं था, तो इसलिए मैंने ये गेम प्ले डाला। तो और कुछ नहीं, तो बाय बाय।